जी क्या पढ़ाया था भाई और बहनों? ओहो प्रोजेक्टाइल हम लोग को पढ़ना था। बॉल बॉल देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जी काइनेमैटिक्स। 18 कर दो भैया तापमान। अरे उससे नहीं हो रहा किसी और से कर दो। एक बॉल दे दीजिए बस दोनों दे दीजिए। तो बताया जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमैटिक्स। आपको याद होगा क्या पढ़ रहे थे? और काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन समाप्त कर लिया था और उसकी तमाम अलग अलग सिचुएशंस पे चर्चा हो चुकी थी। फिर मैंने ग्राफ वाले सवाल भी आपको करा दिए। कुछ मैंने होमवर्क दिया था आपको? नहीं दिया था? कोई बात नहीं आज दे देंगे ठीक है। तो आगे बढ़े शुडाई तुमको ज्यादा आनंद आ रहा है काफी अच्छा फील कर रहे हो। तो लिखना कहाँ है? अच्छा बोर्ड है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे पढ़ना शुरू किए थे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल क्या मोशन मोशन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोशन इन अ प्लेन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन। मोशन इन अ प्लेन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन। ठीक है मोशन इन अ प्लेन विद क्या कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन। यानी हम लोग यहां पर जो भी पढ़ने वाले हैं एक प्लेन में मोशन होगा सुन रहे हैं आप और कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन में होगा। यानी जो एक्सलरेशन होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? बहुत अच्छी बात है। जरा भैया गमछा मंगा दो। ठीक बात बढ़ा जाए आगे। अरे यस और नो देखिए अब मैं आप लोगों को मोशन इन अ प्लेन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना सिखाऊंगा। आप तरीका सीखिए। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? चौधरी साहब याद होगा आपको प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? जो दोनों एक्सिस पे चले। वाह कितना गजब इन्होंने बकवास किया है। एक साथ दोनों एक्सिस पे चले उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सब दीवाने हो गए। चुप रहो तुम अब क्या के तुम बात कर रही हो। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हो वो प्रोजेक्टाइल। मैंने बॉल फेंका दीवानों कौन प्रोजेक्टाइल हुआ? बॉल। मैंने किसी पत्थर को फेंका मैंने अगर बॉम्ब फेंक दिया ऐसा नहीं करूंगा क्या करें नागासाकी के ऊपर जाके गिरा दें अमेरिका समझाए क्या? नहीं समझे आप। तो मेरे कहने का मतलब है जिस चीज को फेंका जाता है उसी को हम क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अभी लिखने की क्रियाओं पे आप मत जाइए। कुछ लोग पेन और पेपर लेकर के एकदम तैयार है कि हम पहले लिख के निकल लें बाद में ये तो समझा ही देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले 15-20 मिनट मेरी बात सुनिए पढ़ा कैसे जाता है वो सीखिए। ठीक बात है। बाकी तो सब लिखा हुआ मार्केट में मिलता है उसके लिए आप क्लास नहीं आते हो। ठीक आप सीखने के लिए आते गो टू हेल। अगर मैंने इस बेटे हो मजार इधर देखो अगर कोई चढ़ा गया चद्दर तुम्हारे ऊपर बहन तो मैंने ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं ना बस दुआ ही मांग लूं। कह रहे मांग लीजिए। जिस बॉडी को फेंकते हैं उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फेंकने के मैंने वैसे तो आपको बताए थे 5 तरीके। कह रहे मोदी जी वाला छोड़ के उसमें से एक स्ट्रेट लाइन था।
लेकिन हमको 1D पढ़ना है कि 2D पढ़ना है। अब ध्यान से समझिए, 2D पढ़ा कैसे जाता है, अपने को यह सीखना है कि 2D पढ़ते कैसे, हाउ विल वी दस। ठीक, गो टू हेल। आओ भैया, सूर्यांश भाई आओ, चश्मा भी पहन लियो, आ जाओ जल्दी आओ, तुम्हारी जमीन गर्म है क्या? आराम से आराम से, इतना ना लहराया करो, इधर आओ, हम दे रहे हैं तुम्हारे लिए बॉल, ये पढ़ो। इस बॉल को फेंकने के, इस प्रोजेक्टाइल फ्रेम में रहो, एक तो वैसे बारीक हो बाहर जाते हो, इस बॉल को फेंकने के, ये जो हमारे भैया है इनके पास चार तरीके। देखिए, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझते हो? yes, क्या होता है हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल ऐसे 4 रन और वर्टिकल 6 रन। ये हॉरिजॉन्टल है बहन, यार ये लोग साइंस के स्टूडेंट है, पता नहीं कौन से स्टूडेंट है, ये कह रहे ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, होराइजन किसे कहते हैं? क्षितिज, चीती। देखो आप, पृथ्वी दिख रही है, उसको लेके आओ। हाँ, मुझे बताइए, आप लोग हॉरिजॉन समझते हो? हॉराइजन क्या, हॉराइजन क्या होता है? इधर आओ, इधर आओ, मेरे मुंह पे पृथ्वी ना घुमाओ। बहन, मैंने तुम्हें मजार क्या कह दिया, तुमने कव्वाली शुरू कर दी। किसका फोन आ रहा है इस समय? घर वालों का फोन, टिफिन वाले का। किस किस टाइम पे तुम खाती हो बहन? और खाती हो तो जाता कहाँ है? वो कहें तो समझ में भी आए। चलो मैडम, गुस्सा नहीं होना, कुछ कर नहीं पाओगी, इधर आओ। होराइजन किसे कहते हैं जी? क्षितिज किसे कहते हैं? हिंदी मत बताओ भाई, क्षितिज क्या है बताओ। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, थोड़ा थोड़ा याद है। यस सर, वही थोड़ा थोड़ा बताओ। सर, इसे टेंजेंट खींची। ईखा कर रहे हो तुम, पृथ्वी में उंगली कर रहे हो। इधर आओ भाई, कहां लक्षण ठीक नहीं है। किसी भी जगह पे आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए पृथ्वी पे, टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड होराइजन। ये भी होराइजन है, ये भी होराइजन है, ये जो भी टेंजेंट सब होराइजन, और होराइजन के जो पैरेलल होता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? रहने दो, हम पृथ्वी के पैरेलल ही क्या मान लेते हैं? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल समझते हैं आप? yes, अरे बोलो भैया, हॉरिजॉन्टल का जो परपेंडिकुलर है दैट इज, अगर मैं इसको चाहूं, अगर चाहूं तो हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लूं? yes, sir. और वर्टिकल को? yes. बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को y-axis. ऐसा हम मान सकते हैं। इसको रख दो, आराम से आराम से, गुब्बारा चुप जाएगा तुम्हें, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारे भैया आपको दिख रहे हैं, मतलब ये बॉडी दिख रही है आपको, इनके पास फेंकने के 3 चॉइस है। एक तो किसी हाइट पे ही है, कहां ये? किसी हाइट पे। आप आ जाओ भाई रेफरी के तौर पे, उधर ही रहना, तुम्हें तो कई जगहों से पसीना आ रहा है, उधर करो चेयर को, उधर करो, बस ठीक है, वेरी गुड। तो एक चॉइस है इनके पास कि ये बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके, एक चॉइस है हॉरिजॉन्टल से, हाँ ऊपर फेंके, एक चॉइस हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंके, और एक चॉइस और है ये जमीन में से फेंक दें। अरे मतलब बॉडी को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कुल कितने तरीके हो गए? पढ़ाऊंगा मैं 2, NCERT में है 1, मैं 2 पढ़ाऊंगा, लेकिन NCERT में 1 है। मैं 2 इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे चल करके इसमें से 1 की जरूरत हमें पड़ेगी। एक मैं पढ़ाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, या और एक जमीन वाला, इसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? NCERT में ऑब्लिक का जिक्र है, पर हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। कुछ ठीक नहीं है तुम्हारे हालात हैं, तुम कहीं कुछ खोए हुए हो, कोई बात है क्या? ओके चलो, अब भैया आपको हॉरिजॉन्टल बॉडी फेंक के दिखाएंगे और फिर मैं इसके डायनेमिक्स को समझाऊंगा आपको कि जिंदगी में हो क्या रहा है। चलो भैया, हॉरिजॉन्टल फेंको, कस के नहीं फेंकना,
आराम से फेंक रहे, इतना यही गिरे और कस के फेंके, तुमको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कराएंगे। अजीब जानवर है, ऐसे फेंको हॉरिजॉन्टल, ज्यादा बकवास ना करो, कस के मत फेंको, धीमे फेंको। देखा आपने? अरे इनको नहीं, बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कराया इन्होंने। अरे शी हैज डन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब इन्होंने नहीं, बॉडी ने किया कि नहीं किया। अब सोचो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। या मैं डायग्राम में इसको समझाने की हाँ कोशिश करूंगा, देखो भाई तो वही कोशिश कराओ। ये टावर है जी, और ये फर्श है। व्हाट इज दिस? जमीन। और यहां पर है बॉडी, मैंने फेंका यू से, कहां से? मतलब मैंने क्या, इन्होंने फेंका था, कितने से फेंका? यू से। यू एक वेलोसिटी दी। अच्छा, इन्होंने जो बॉडी को वेलोसिटी दी थी, जरा सोचिएगा, बोल लो, थोड़ा इमेजिन करिए, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। बाल पकड़ो भाई, जब ये बॉल को फेंक रहे हैं तो ये कैसी वेलोसिटी दे रहे हैं, किस डायरेक्शन में? अरे हॉरिजॉन्टल में। अरे ये कैसी वेलोसिटी दे रहे हैं, बोलो ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल में तो दे रहे हैं वेलोसिटी। अच्छा सोचो, अगर इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता ये जो फेंकते, तो हॉरिजॉन्टल चलती चली जाती। कब तक? इनफाइनाइट टाइम। यस सर, नो, ऐसा ही होता? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? No, या मैं सही कह रहा हूं? सही, आप बताओ। यस शी इज राइट, मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फेंकता, ये फेंकते मान फेंके, और वर्टिकल में कोई फोर्स या कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, तो ये सीधे चलती चली जाती है। पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक फोर्स आ जाएगा, कौन सा? अरे बता दो भगवान, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या वो ग्रेविटेशन फोर्स बॉडी को नीचे ले जाना चाहेगा? इनका, इनकी वेलोसिटी बॉडी को किधर ले जाना चाहती है? आगे। अरे बोलो यार। और एमजी किधर ले जाना चाहता है? नीचे। तो रिजल्ट में क्या आएगा? आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, और बॉडी नहीं। हाँ ना बोलो। कोई समस्या वाली प्रॉब्लम, दिक्कत वाली उलझन नहीं है, कुछ ऐसा ही मामला होगा। यानी आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये बॉडी कुछ इस तरीके से इट्स लाइक दिस। ये जो जमीन है हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, बोलो यार। और ये जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। जमीन क्या है? कोई बोल ही नहीं रहा है। और क्या है? वाई एक्स एक्सिस। और पक्का? तो बॉडी आगे भी जा रही है, कोई पीछे भी जा रही कह रहा है, पीछे जा रही है आगे, गलती से निकल गया, सुबह का वो समझे हो, आगे भी जा रही है और नीचे। अच्छा
सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए कह दे, दो लोग हुआ करते थे। तो भाई अब क्या हुआ समझिएगा, थोड़ा फील करिएगा। भैया ने बॉडी को फेंका, ओ ओ ओ, किस्मत ठीक है आज तो वैसे भी। ये कौन लोग लगाए हैं जो ऐसे लगाए हैं? चलो जो होना हो जाएगा, अब ये कोई मजा ले रहा है। ये देखो कल भैया चला दो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया। मतलब डिस्ट्रैक्शन में इतना मजा आता है। इधर देखो तो भैया अगर, अरे भाई आप कंसंट्रेट करो, तो अगर इन्होंने, ये कौन है, पहले अपने दिल का बड़ा निकाल ले भाई, टाइम खराब ना करो। सुनिए तो हुआ क्या कि भैया ने बॉडी को फेंका, जब इन्होंने बॉडी को फेंका तो बॉडी को कैसी वेलोसिटी दी? बोल ही नहीं रहा यार, हॉरिजॉन्टल दी। बोलो भैया, अगर एमजी ना होता तो क्या होता? चलची जाती। तुम बोला चलची जाती, चलती जाती। कहां कहां से फट रहा भाई, सब ना निकल जाए। तुम भाई इधर देखो, चल ए भाई बस करो, अभी देखो चलती जाती, यस और नो। और अगर एमजी की वजह से ही क्या होगा, नीचे आएगी। अच्छा भैया ने बॉडी को जब फेंका, ध्यान से सुनिएगा दीदी, वो देख रही कौन सा बलून आने वाला है। भाई ये बंद ही करो, नहीं तो ये पटपट पटपट होता रहेगा, यहां यही होता रहेगा। जल्दी करो जल्दी करो भाई, तेज जाओ, ठीक है ध्यान से। ए अरे भाई सुनो सुनो, भैया देखो, अगर भैया ने बॉडी को फेंका, अगर अगर जब इन्होंने फेंका, जब इन्होंने फेंका उस वक्त इन्होंने वेलोसिटी कैसे दी? हॉरिजॉन्टल दी या वर्टिकल दी? भैया आपने कैसी वेलोसिटी दी? हॉरिजॉन्टल दी। अगर एमजी ना होता, अगर एमजी ना होता तो ये बॉडी सीधे निकल जाती, मानते हैं? अरे हाँ ना बोलो, अगर एमजी ना होता तो बॉडी सीधे निकल, यानी एमजी इसको नीचे लेके जाएगा। हमें इस बॉल की पढ़ाई कब से कब तक करनी है? ध्यान दे सभी लोग जो ऊपर देख रहे हैं, हमें एमजी की पढ़ाई कब, हमें इसकी पढ़ाई कब से कब तक करनी है? जब इनके हाथ से बॉल छूट जाएगा, जब इनके हाथ से, और जब जाके जमीन से टकराएगा उसके ठीक पहले, इनके हाथ से छूटने के ठीक बाद, ठीक बाद, इनके हाथ से छूटने के और टकराने के, टकराने के बाद बात नहीं होगी और छूटने से पहले बात नहीं होगी। मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल तो पूछने दो अम्मा, जब ये बॉल को फेंकेंगे और ये जमीन से जाके टकराएगी, इस दौरान क्या इस बॉल पे फोर्स लगेगा? Yes, लगेगा? Yes, कितने फोर्स लगेंगे, एक या दो? एक। काफी लोग बोल रहे हैं एक, एक या दो, एक। कितने लोग कह रहे हैं एक? हाथ उठाओ, हाथ ठीक से हाथ उठाओ, मुझे आशीर्वाद ना दो, माना कि एक। और कितने लोग कह रहे हैं दो? ये बाकी लोग क्या बेटे, तुम लोग इधर तंदूर में रोटी लगाने आई हो क्या? बोलो हो कितने फोर्स, आपका दिल क्या कहता है बहन? आप बताओ बहन, एक। कौन सा? वो एमजी, ग्रेविटी ने फोर्स एमजी, सिर्फ एक फोर्स लगेगा। कुछ लोग दो समझ रहे होंगे, कितने लोग समझ रहे हैं दो मुझे बताइए, मैं उन लोगों की भ्रांति दूर करूं। कितने लोग दो समझ रहे हैं? कोई दो समझ नहीं रहा है, कोई दो नहीं, किसी को नहीं लग रहा कि दो फोर्स लग रहा होगा। दो फोर्स नहीं लगेगा,
कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि जो भैया ने फेंका इनका भी तो फोर्स लगेगा, इनका तुम ऐसा सोच रहे थे ना, झूठ मत बोलो। अरे yes, सोच रहे थे ना, अरे कोई बात नहीं है, गलत सोचना कोई बुरी बात नहीं है। yes, कितना गलत सोचते रहते हो बताओ, yes, कोई फर्क पड़ता है नहीं। इनका फोर्स तो तब तक लगेगा जब तक बॉल इनके हाथ में, इनका फोर्स जब तक बॉल इनके, बॉल हाथ से छूटी इनका फोर्स खत्म। हाँ गया, वेरी गुड, जाते हुए देखा होगा तुमने, इनका फोर्स खत्म, राइट। क्या इनके हाथ से छूटने के बाद पढ़ना है या हाथ के हाथ में था तब पढ़ना है? हाथ से सूझने के बाद, ठीक छूटने के बाद, काफी अच्छी बात, हाथ से छूटने के ठीक बाद पढ़ना शुरू करना है। सच बात है, यानी इनका फोर्स रहेगा या खत्म? भैया खत्म, अरे भैया का फोर्स खत्म मतलब, यस और नो? और कब तक पढ़ना है? जब तक जमीन पे ना जाए, टकराए ना, उसके बीच में तो बॉडी हवा में है, हवा में कितना फोर्स काम करेगा? कितार की ओर, एमजी नीचे लगेगा। अरे भाइयों बहनों एक बात बताइए, जिधर फोर्स लगता है क्या उधर ही एक्सीलरेशन, जिधर क्या उधर ही? अरे तो एमजी अगर नीचे लगा है पूरी यात्रा में कौन लग रहा है? पूरी यात्रा में कौन लग रहा है? शी इज राइट एमजी, किधर? तो एक ही एक्सेलरेशन आएगा ना, कितने के बराबर? जी, क्योंकि जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। क्या ये पूरा का पूरा मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यार क्या पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्योंकि बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? एम जी। किधर की तरफ? डाउनवर्ड। अरे बहुत में कह रहे हो, कितना फोर्स किधर की तरफ? यस और नो? जब फोर्स एक और कांस्टेंट फोर्स तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। कहो सही है या नहीं, सही है या गलत है? मैं नाम बताइए, आप तो पढ़ लिखी नहीं लग रही है। अब एक बात और मुझे बताइएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल आया? सब लोग ये बात समझ चुके हैं? ये मोशन 1D है कि 2D? जरा ध्यान देते हैं, क्या ये बॉडी एक्स में भी जा रही है? yes, और वाई में भी जा रही है? yes, पहले एक्स में जाके फिर वाई में जा रही है, या पहले वाई में जाके फिर एक्स में जा रही है, या साथ साथ जा रही है? तो जब दो कोऑर्डिनेट साथ साथ बदले तो इसे क्या बोलोगे? 2D या 1D? 2D। क्या बोलेंगे? 2D। क्या ये 2D मोशन है? yes, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, याद रखना। एक्सेलरेशन कैसा है समझते चलना मेरे भैया, मैं बात को एकदम कनेक्ट कर दूंगा कायदे से आपके 1D से जो आपने पढ़ा है। मैं मान लेता हूं किसी क्षण बॉडी यहां पहुंचती है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी कहां पहुंच रही है? हाँ यहां, यहां इसकी वेलोसिटी बी है, समय बीत चुका है t = t। क्या आप देख पा रहे हो? आर यू एबल टू सी? क्या सबको क्लियर हो रहा है ये फिगर? अब अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल वेलोसिटी जो भैया ने दी थी वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t समय के बाद वेलोसिटी कितनी है? v है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, हमने तो ये पढ़ा है कि अगर जिंदगी में हमारे कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिले, अगर जिंदगी में कभी हमारे एक्सेलरेशन, वाह 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 बहन, अगर जिंदगी में कभी हमारे एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बोलो yes, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन 1D का है कि 2D का है? 1D 2D वो यहां नहीं लग सकता। अगर मैं आपसे कह दूं यू दिया है वी निकालो, यू दिया है, आपसे कह दे यू दिया है, आवाज आ रही प्रॉपर? यू दिया है वी निकालो, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट फिर भी, क्योंकि ये 1D की 2D है, और इक्वेशन ऑफ मोशन 1D का है कि 2D का है? तो वो फार्मूला यहां नहीं चलेगा, फिर हमारे सामने समस्या होगी, हम वी कैसे निकालें?
हम फंस चुके हैं, हम फंस, फिर क्या करें, इससे कैसे बाहर आए? थोड़ा हल्का वॉल्यूम और दे दो वरना रिकॉर्डिंग में दिक्कत करेगा। क्या करें फिर? अगर मुझे वी निकालना है या मुझे कोई पढ़ाई करनी है तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? समस्या है, ठीक। इस समस्या का समाधान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। जिंदगी में कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन 2D आ जाए तो आप कभी भी मोशन को सीधे सीधे नहीं पढ़ पाएंगे। देर इज नो एनी फॉर्मूला विच इज डायरेक्ट। यदि मैं आपको बी बता दू, यू बता दू, टी बता दू, यू बता दू, टी बता दू, एक्सेशन बताओ और आपसे कह दिया जाए कि आप वी निकाल लो, तो आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप वी निकाल सको। देर इज नो एनी डायरेक्ट फॉर्मूला विच कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। कोई भी स्टडी करनी आप नहीं कर सकते, सीधे तौर पर नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर इसको कैसे करें, इसको अध्ययन हम कैसे करें? सवाल है, yes, है मकारो? yes, सवाल है, yes, सवाल है, yes, इस सवाल का जवाब यह है कि मेरे भाइयों बहनों, वेक्टर मैथमेटिक्स हमें इजाजत देता है, अगर जिंदगी में कभी कोई 2D वेक्टर हो और वो हमें परेशान करे तो हम उस वेक्टर को तोड़ दें। अरे यार, हाँ या ना? yes, क्या आपको वेक्टर तोड़ना आता है? yes, क्या वेक्टर रिजॉल्व करना आता है? yes, भैया मैंने वेक्टर रिजॉल्व करना सिखाया था, ठीक है, याद है आपको? yes, आप क्रिकेट खेलने तो जरूर जाते होंगे, बिना आपके कोई क्रिकेट तो खेल नहीं पाता होगा, स्टंप की जरूरत नहीं पड़ती। कह रहे हम फुटबॉल खेलते हैं, समझ नहीं पा रहे आप? जब भी आपको 2D पढ़ना है आपके पास एक ही तरीका है, आप उसे वेक्टर को तोड़ दो। कंफर्म है? yes, क्या क्या करना होगा? yes, एक x एक्सिस का मोशन है, बोलो यार। yes, इस मोशन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। हम इसको कौन सा मोशन कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। और वाई एक्सिस का जो मोशन होगा गो टू हेल, वर्टिकल मोशन। एक्स एक्सिस का मोशन कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस का? तो दो एक्सिस का मोशन है, एक एक्स एक्सिस का और एक y-axis। दोनों साथ साथ होगा या अलग अलग होगा? साथ-साथ। भगवान से डरो, दोनों साथ साथ या अलग अलग है? पक्की बात है? श्योर है? श्योर है? पक्की बात है? अरे कह दो कि ये झूठ है। हमें दोनों मोशन अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अब मोशन में अगर आप वेक्टर देखो तो तीन ही वेक्टर आते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी और एक एक्सीलरेशन। कौन कौन आता है बताओ? रहने दो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यही तीन वेक्टर आते हैं। इन तीनों वेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है, इन्हीं तीनों को तोड़ना पढ़ना है। हमारे पास बॉडी कहां से चली है? किसी पॉइंट से चला दो, ए से चली है और पहुंची है बी पर। कहां पहुंची है जी? दीवानों कहां पहुंची है? चली कहां से है और पहुंची कहां पे है? क्या मैं टी बराबर जीरो इसे कह दूं? क्योंकि टी बराबर जीरो पे यहां से चली है और टी बराबर टी पे बी पर पहुंची है। आइए, गई तो इस रास्ते से है, बोलो यार। yes, क्या इस रास्ते से गई है? yes, अगर मैं इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखूं तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट आएगा? yes, बोलो मेरे भाई। yes, क्या इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये आएगा? yes, लेकिन भाइयों बहनों, हमको कोई भी पढ़ाई जब यहां करनी है तो हमें वेक्टर को रिजॉल्व कर देना है। अगर आप देखो और मैं यहां पर एक वेक्टर बनाऊं भी आपके सामने, ये एक डिस्प्लेसमेंट बनाया मैंने, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, बोलो यार, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। आप देख पा रहे हो? यस और नो? एक इधर की तरफ वाई की तरफ और एक एक्स की तरफ। इस डिस्प्लेसमेंट का नाम मैंने एक्स रख दिया और इसका नाम वाई रख दिया। हकीकत में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीला वाला या तो सफेद वाला है?
हकीकत में क्या है, पर इस नीले वाले वेक्टर को हमने तोड़ दिया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, एक एक्स और एक वाई। तो जब तोड़ दिया तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। यानी बॉडी पहले एक्स जाके फिर वाई आई हो क्या? बोलो यार। या पहले वाई जाके फिर एक्स? पढ़ना कैसे है? अलग अलग, क्योंकि हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं। बहुत अच्छी बात है, लड़की का बाप यही बैठा है, काफी मजबूर है, काफी दहेज मांग लिया गया है। समझ नहीं रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, तो आपको कुछ भी पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, यू हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर। बॉडी आई यहां से यहां है, मैंने तोड़ दिया एक एक्स की तरफ और एक वाई की, किधर किधर, किधर किधर, इधर उधर, किधर किधर, इधर उधर, बोल ही नहीं पा रहे तुम, एक्स और वाई, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। और यहां टी बराबर क्या बन गया? टी बन गया, कहो हां। अब मैं किसको तोड़ने जा रहा हूं? वेलोसिटी को। अभी मैंने किसको तोड़ा है? हैं? अब किसको तोड़ूंगा? चलो जरा गौर करो, ये वेलोसिटी यूं जा रही कि नहीं जा रही है? यहां पर अगर आप तोड़ना चाहो तो यहां तो भक्क से तोड़ दोगे, आपको यहां तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, टूट फाट के फौरन बराबर। एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको मैं Vx बोलूंगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, बोलो यार, बोलो ना, और ऐसा तोड़ेंगे कि यह पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो V के कितने टुकड़े हो गए? कौन कौन? Vx किस डायरेक्शन की वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और Vy? Vy नीचे है कि ऊपर है? और Vx? कोई ऊपर बता रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना। अरे बहुत दीवाने हैं। आगे बढ़े, देखिए मैं मान रहा हूं कि आप एक समझदार हैं, चुप रहो तुम। अब मैं तोड़ने जा रहा हूं यहां पर वेलोसिटी। अगर आप यहां वेलोसिटी को तोड़ते, ध्यान दीजिएगा, तो भैया ने पूरी पूरी वेलोसिटी किधर दी थी? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हैं? तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली है कि नहीं है? यानी मैं यू एक्स बराबर क्या लिख दू? यू, बोलो। और यू वाई क्या आएगा? जीरो। जरा सोचिएगा, फील करा रहा हूं, फील कराता हूं, फील कराता हूं। आइए आइए अंकल, आइए सोचिए। ये जो हमारे भैया हैं, सुनिएगा, ये जो हमारे है, ये बॉडी को फेंकने जा रहे हैं। थोड़ा इसको फील करिएगा मेरे भाई बहनों, ठीक है? भैया क्या करने जा रहे हैं? फेंकने जा रहे हैं, बहुत आदत है इनकी। अभी इनके हाथ में बॉल है, जस्ट इमेजिन, बोलो ना। एमजी तो लग रहा होगा, पर एमजी का इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये छोड़ते हैं बॉल को, और कैसे फेंकते हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? आप ना थोड़ा सा और एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए, कीन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर एकदम बारीकी से देख रहा है। हाथ से छूटने के वक्त की ही बात करने जा रहा हूं, जिस वक्त ये भैया छोड़ेंगे, जस्ट वही इंस्टेंट, जैसे ही हाथ से छूटा, इन्होंने वेलोसिटी कैसे दी है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? यानी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी इस वक्त। पर जैसे ही इनके हाथ से छूटा, एमजी अपने अस्तित्व में आएगा। एमजी कहेगा हम एक वर्टिकल वेलोसिटी भी लाएंगे। अरे यार, एमजी कहेगा तुम नीचे चलो। बोलो, बोलता क्या नहीं हो? एमजी किधर लगेगा? ये भैया ने किधर फेंका था? कितने एंगल पे एमजी लग रहा है? 90. कितने एंगल पे? 90. क्या ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को प्रभावित करेगा? नहीं. अगर जिंदगी में कोई फोर्स मैंने पढ़ाया है आपको 1D में ही 90 डिग्री पे लग जाता है, तो वो कभी भी उसकी वैल्यू को चेंज। तो भैया इन्होंने कैसे दिया था वेलोसिटी? हैं? इन्होंने कैसे दिया था? हॉरिजॉन्टल। एमजी कैसे आएगा? तो क्या करेगा वो? धीमे धीमे इसको बढ़ाएगा ना। अरे यार, आना बोलो भैया। लेकिन इसको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। अरे बोलो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, वर्टिकल आती जाएगी, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो मेरे भाइयों और बहनों, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी क्या गई? कब? शुरुआत। अब जैसे जैसे एमजी का असर आएगा,
वैसे वैसे वर्टिकल वेलोसिटी अपनी बढ़ती जाएगी। देखो यहां बढ़ के कुछ हुई है कि नहीं हुई है? अरे हुई है कि नहीं हुई है? सत्य वचन की घड़ी है या कोई समस्या वाली दिक्कत है? सत्य वचन है कि नहीं है? क्या यहां से यहां जाने में कुछ वर्टिकल वेलोसिटी का गेन होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस वर्टिकल वेलोसिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? एमजी। कौन है? किधर लगेगा? नीचे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। तो हम लोगों ने वेलोसिटी भी तोड़ना सीख लिया। अगर मुझसे कहा जाता कि आप यहां पर वेलोसिटी पढ़िए, क्या कहा जाता? हाँ यहां पढ़िए, तो यहां भी मैं पढ़ लेता। ये वेलोसिटी होती है हमारी फाइनल वाली, बोलो। उसका एक कंपोनेंट बन जाता है इधर, बोलो, वी एक्स डैश। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाता है? वी वाई डैश। सच बात है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, और वर्टिकल कंपोनेंट पक्की बात है? श्योर है या नहीं श्योर है हम? तो हमने किसको किसको तोड़ लिया? पहले किसको तोड़ा और फिर पक्का? चलो अब मैं तोड़ने जा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, ये सी पॉइंट कहलाएगा, ये बी पॉइंट है। अब मैं तोड़ने जा रहा हूं एक्सेलरेशन को। एक बात बताओ, जब बॉडी हवा में आती है तो उसमें कितने फोर्स लगते हैं? कौन सा? किधर की तरफ? तो क्या एक ही एक्सेलरेशन आएगा? कितने के बराबर? यस और नो? क्या ये वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा या हॉरिजॉन्टल? क्या हॉरिजॉन्टल में इसका असर आएगा? तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? चमका नहीं चमका? बात क्लियर हुई? बोलो भैया। तो मैंने एक्सेलरेशन को भी तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों नहीं आ रहा है? बोल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसे है? वर्टिकल डाउन है। अरे बोलो यार, फोर्स कैसे है? उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? जीरो। हॉरिजॉन्टल में उसका कोई असर? अच्छा एक बात बताइए, अगर एमजी लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, इसका असर हॉरिजॉन्टल पे नहीं आएगा, तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? हैं? होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? पहले कितनी थी? अभी कितनी रहेगी? अभी कितनी रहेगी? क्या पूरे दौरान यू ही यू रहेगी? अरे बोलो। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई, हॉरिजॉन्टल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज, लेकिन वर्टिकल मोशन ऐसा है जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या चेंज होती जा रही है? पहले कितनी थी? जीरो। फिर कुछ 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 कर बढ़ती जाएगी। हाँ ना बोलो। हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्योंकि जो फोर्स लगता है वही वेलोसिटी बदलता है। लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। इसका असर हॉरिजॉन्टल में नहीं है, इसका असर हॉरिजॉन्टल में नहीं है। वर्टिकल में इसका असर आएगा, हॉरिजॉन्टल में इसका कोई असर नहीं है। आर यू एग्री विद मी और नॉट एग्री? यस एग्री, नो एग्री? बोलो एग्री। यस एग्री। इतनी बात सबके समझ में आ गई? तो क्या मैंने 2D को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया? और दो कंपोनेंट में तोड़ दिया तो मैं ये भी कह सकता हूं ये दो 1D बन गया। एक हॉरिजॉन्टल 1D और इन दोनों 1D का मिक्सर हो गया 2D। अरे बोलो यार, हो क्या रहा है? 2D या 1D? क्या हो रहा है? पढ़ेंगे कैसे? तोड़ करके दो 1D, एक हॉरिजॉन्टल वाली 1D। क्या आपको 1D पढ़ने आता है? हैं? आता है। 1D मोशन में मैंने 3 सिचुएशन बताई थी। एक, जब कोई एक्सेलरेशन ना हो। जब कोई एक्सेलरेशन तो सिंपल फार्मूला लगता है। दूसरा मैंने बताया था, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे बताइए, ये हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सेलरेटेड है या अनएक्सेलरेटेड है? कोई बोली नहीं जाए। तो यहां पर जब भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लगाने वाले हैं?
और वर्टिकल मोशन में क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन. अरे वर्टिकल मोशन में क्या लगाएंगे आप? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? क्या हमने वेक्टर को तोड़ देना है? क्या हमें तोड़ के पढ़ना है? हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, वर्टिकल मोशन अलग. अब एक बड़ा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि पढ़ा कैसे जाएगा? क्या तो आप रह दिए कि पढ़ा कैसे जाए? तो सबसे पहले बैठ जाइए आप दोनों लोग. आप हेडिंग डालिएगा, नहीं हेड प्रोजेक्टाइल मोशन पहले लिखा था, लिखिएगा द बॉडी which is being projected comma is called as projectile. Is called as क्या? Projectile. ठीक. और सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा horizontal projectile motion. Horizontal क्या? Projectile motion. भैया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. और भाई और बहनों नीचे लिखिएगा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड. अ बॉडी इज व्हाट? Projected with some velocity. अच्छा एक बात और है, इस टावर में हाइट दे रखा है from a क्या लगा? A body is projected from a tower of height capital H. of height क्या? capital H. ये बना लीजिए डायग्राम. ब्रह्मास्त्र रखियो. जल्दी से करिएगा. लिख लिया.
ठीक है जी। लिखा क्या? साफ सुथरा सुंदर सुशील बनाइएगा भाइयों बहनों। डायग्राम अभी थोड़ा एडिटिंग भी होगा, बड़ा बनाइएगा। पता करके बताओ। हाँ जी, हैव डन। क्या मैं मामले को शुरू करूं? है जी, चल देखिए। अब हमको स्टडी करना है, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई उतनी बातें आप लिख लीजिए, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे इंग्लिश में लिखें। बोलो यार। क्योंकि देखिए, बात अपने को दिमाग में बैठानी है, इस पे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन बात समझनी है। लिखिएगा, प्रोजेक्टाइल की स्टडी, प्रोजेक्टाइल की की स्टडी जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन से लेकर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर क्या, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तक की जाती है। तक क्या की जाती है, की जाती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा। ड्यूरिंग मोशन केवल एक फोर्स एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। केवल एक फोर्स क्या, mg, किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। दैट इज, इसका मतलब है मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड होता है। मोशन यूनिफॉर्मली, अच्छा अब ये दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल में मैं इतनी बातें नहीं बताऊंगा, ठीक बात है। मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड होता है। सत्य वचन समझ पा रहे हैं आप? अगली बात, बोलूं, 2D मोशन को स्टडी करने के लिए, 2D मोशन को स्टडी करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेजोल्यूशन करना होगा। 2D मोशन को स्टडी करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी displacement velocity
और एक्सेलरेशन का रेजोल्यूशन करना होगा। क्या करना होगा? रेजोल्यूशन करना होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, एमजी का इफेक्ट लाओ। एमजी का इफेक्ट तुम यहां लगी खेलने, तो वो बहन चिपका रहने दो, रहने दो प्लीज, रहने दो बेटा, मजारों पे गुब्बारे अच्छे लगते हैं। क्या लगा? एमजी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। बेटे खंबे वाली मुनीम जी, एमजी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। बहरी, ये बहरी नहीं लिखना है, एमजी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाँ नहीं होगा। इसका तात्पर्य यानी दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन अनएक्सेलरेटेड होगा और अरे मतलब और वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। वर्टिकल मोशन क्या चीज? बहुत अच्छा बोल रही है बहना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सेलरेटेड, वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली। तो अच्छा, जब हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल, और वर्टिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अब हमने 2D को क्या बना दिया? 2 1D। अरे यार, 2D को क्या बना दिया है? हाँ, 2 1D। चलिए पढ़ा जाए, शुड आई स्टार्ट नाउ? कैसे पढ़ा जाता है? पढ़ा जाए, अरे सिखाया जाए। चलिए मैं एक एक लाइन एक एक बात आपको सिखाऊंगा कि हाउ विल बी स्टडी अबाउट दिस 2D मोशन बाय रिजॉल्विंग द मोशन। ठीक, गुड। आइए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या चीज? इक्वेशन ऑफ, मेरे भाइयों बहनों, क्या? हाँ, ट्रेजेक्ट्री। बहुत गाड़ी अंग्रेजी बोल रही मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर्वप्रथम हमको यह समझना पड़े, ए भैया लोग तो जाओ, हम पूरा मौका देंगे। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि यह ट्रेजेक्ट्री किस बला का नाम है और उसकी इक्वेशन से क्या मतलब ले है? क्या मतलब वर्ड वर्ड इज मीन? अरे मैं बोल, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मतलब बॉडी जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते की शक्ल। क्या ये गुलाबी गुलाबी दिख रहा है आपको? क्या ये रास्ते की ही शक्ल है कि नहीं? अब गणित में जब इस बात को करने जाओगे, मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन, रास्ते की शेप, शेप ऑफ पाथ कैसे जानोगे भाई? देख के बता दोगे शेप ये है? नहीं, गलत, क्योंकि हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं। Yes, तुम तो विद्या के ही अर्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हैं। Yes, और इस्तेमाल गणित का करते हैं, बात लॉजिकल करेंगे, इलॉजिकल हमारी कोई बात नहीं होगी। तो भाई हमको यह गुलाबी वाला रास्ता दिख रहा है, आर यू एबल टू सी? जो पीछे लोग बैठे हुए हैं आराम से, क्या वो भी देख पा रहे हैं? वेरी गुड। तो भाइयों बहनों, आपको यह रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते की शक्ल क्या है? पहले बात तो इस शक्ल कैसे निर्धारित करते हैं?
हाउ द ट्रेजेक्ट्री विल बी अपना जाने करें शकल, हाउ द ट्रेजेक्ट्री विल बी फाइंड, बताया जाए। ऑल राइट, जरा ध्यान दे दीजिए, देखिएगा क्या ये एक्स एक्सिस है, क्या ये वाई एक्सिस है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का और ये वाई डायरेक्शन का है। बोलो यार, ये जो रास्ता है, मैं अगर एक लाइन में कहूं कि ये रास्ता कुछ और नहीं बॉडी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। अरे भैया रास्ता क्या है बता दो, क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ नहीं है? इसका मतलब अगर मैं आपके सामने आपकी मदद से आपके सहयोग से यह लिख दूं कि ट्रेजेक्ट्री कुछ और नहीं, ट्रेजेक्ट्री कुछ और नहीं शेप ऑफ पाथ है, क्या है और शेप ऑफ पाथ कुछ और नहीं ग्राफ बिटवीन, क्या है, चुप रहो तुम, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? यानी मुझे ट्रेजेक्ट्री जानना है, यानी शेप ऑफ पाथ जानना है, तो मैं किसके किसके बीच का ग्राफ जानूं? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ। अरे हाँ ना बोलो। और आपको याद होगा काफी हजारों साल पहले की बात है, पिछले टर्न पे मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफ की शक्ल कैसे जानते हैं। बोलो यार, जिनके बीच के ग्राफ की शक्ल जाननी है सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उन दोनों के बीच में एक फार्मूला निकालो, एक इक्वेशन निकालो, शर्त यह है कि कोई और वेरिएबल नहीं होना। क्या मैंने ऐसा बताया था? गो टू हेल अंकल। हम अगर जिंदगी में ग्राफ जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना पड़ेगा। बोलो यार, किसी अन्य वेरिएबल के बिना। अरे हाँ ना बोलो। अगर हमको ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। क्या हम ग्राफ की शक्ल बता पाएंगे? एक मैंने मोटी मोटी बात करी थी। और पतले लोग आप भूल गए हैं मुझे लग रहा है, हैं? यानी अब हमारा लक्ष्य ट्रेजेक्ट्री से हटके कहां चला गया है? ग्राफ पर, किसके किसके बीच। और ग्राफ बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन। क्या निकालना पड़ेगा है? लेट्स स्टार्ट। पढ़ना हमारी मर्जी या बॉडी की? लेकिन जब 1D पढ़ते थे तो आपको दो चीजें तय करनी पड़ती थी, याद आ रहा है? कितनी चीजें? सॉरी, एक ही चीज, कहां से कहां तक पढ़ना है। फिर यह तय करते थे कि दो कह लो उसको, फिर यह तय करते थे कि मोशन कैसा है। क्या आप इनिशियल फाइनल पॉइंट तय करते थे? अरे आप इनिशियल फाइनल पॉइंट तय करते थे, फिर तय करते थे कि मोशन कैसा है, और फिर जैसा मोशन वैसा फार्मूला, जैसा मोशन ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? भगवान से क्यों नहीं डर रहे? आर यू डरिंग? डरिंग डरिंग याद आ रहा है आपको? मेरे भाइयों बहनों, इस वाले में जब पढ़ाई करोगे तो यहां एक और समस्या आएगी। हमें यह तो तय करना ही है कि हमें कहां से कहां पढ़ना है, लेकिन हमें अब यह भी तय करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ना है या, क्योंकि उसके बिना हमारा काम। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं ए से बी। ए दिखा? सभी आनरों से निवेदन है वो ए देखें। ए दिखा? बी दिखा? तो मैं ए से बी पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। हमको यह भी जानना पड़ेगा कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की या वर्टिकल मोशन की। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन। देखा, बोतल गिराने वाले फॉर हारी हारी जॉन्टल जॉन्टल मोशन मोशन कहां से फिराम ए टू बी।
बोतल के चक्कर में बेटे दुनिया बर्बाद है। बोतल ने बहुतों को तबाह किया है, वरना ये मुकेश पहले ऐसा नहीं था। इधर देखो, हम कौन सा मोशन पढ़ने जा रहे हैं? पहले दिमाग में क्या सेट करना है? पॉइंट्स, कहां से कहां? सब लोग ये देख रहे हो? अगर कोई पेन लेके लिखने लगा तो हम हाथ काट के ठाकुर ठकुराइन बना देंगे। ध्यान सुने जरूर, लिखने पर चले आते बात समझते नहीं हो पहले। अब सीख लो, मैं इसमें सिखाऊंगा, अगले वाले में ही सिखाऊंगा। अगले वाले में तो धड़ाधड़ हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्लिक में थोड़ी सिखाएंगे हम, पर ये पहली और आखिरी बार सिखा रहे हैं। पढ़ा कैसे जाता है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। कहां से कहां पढ़ना है? सबको ये दिख रहा है? बी दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सेलरेटेड है कि अनएक्सेलरेटेड? सॉरी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? पहले कितनी थी, अब भी कितनी है? जब हॉरिजॉन्टल पढ़ रहा हो तो सारी नजर कहां होनी चाहिए? टोटल मत देखो, टोटल को मत देखो, किसको देखो? हर पहले कितनी थी? अरे बोलो यार, अभी कितनी है? बीच में कितनी होगी? हर जगह कितनी होगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज। समय कितना लगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो जीरो से टी। डिस्प्लेसमेंट बताओ, नहीं देख पा रहे सूर्याज भाई, खड़े हो जाओ। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे वाई है ना, वाई एक एक्स। अरे ये क्या है, क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, कंपोनेंट है तो एक्स कहां से? एक्स का कंपोनेंट वाई है, तो आप एक्स क्यों बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वाई क्यों नहीं बोल रहे? एक्स ऐसे हैं, हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं ये नहीं भूलना है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? यार बहुत गंदा रिस्पॉन्स है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? पीछे जो भैया खंबे के तारे बैठे हैं, खंबे के तारे ना बैठो बेटे, नाले में चले जाओगे। ही क्या अंकल, हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे? ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, बॉडी तो आई है गुलाबी रास्ते से, पर गुलाबी पढ़ने की औकात हमारी नहीं है। हमने उसको एक्स में तोड़ा और किसमें? तो हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे? तो एक्स वाला आएगा। कह दो कि ये झूठ। आंटी बैठू, सिंपल फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ रहे हो? एक्सेलरेशन है कि नहीं है? और एक्सेलरेशन ना हो तो सीधे सीधे समय बराबर दूरी बटा, या चाल बराबर दूरी बटा, या समय बराबर दूरी बटा, या चाल क्या? इधर देखो, या तो पोकी मानना बनो, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? अरे यार सही लिखा या गलत लिखा? यूएक्स कितने के बराबर है पूरे टाइम? यू के? अरे हाँ, तुम करो मिथुन वाला डांस, आगे बढ़े। अब मैं फिर से क्या पढ़ने जा रहा हूं? वर्टिकल मोशन। मेरे भाइयों बहनों, फॉर कौन सा मोशन? कहां से कहां तक? आई एम मोशन फ्रॉम ए से, फ्रॉम कोई कह रहा है ए से, फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां? जरा ध्यान देना मेरे भाइयों बहनों, मैं सबसे निवेदन करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, नहीं उड़ा के फेंक देंगे हम बड़े। कहां से कहां? कह दो कि यह सच है तो सच ही होगा। ए दिख रहा सबको? बी दिख रहा है? भैया खड़े हो जाओ, चौधरी साहब दाढ़ी खुजा रहे हो, हैं? दाढ़ी बड़ी हो गई है तो खुजली हो गई, इतने जुए क्यों पाल रखे तुमने? मुझे बताओ वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड है कि अनएक्सेलरेटेड? कौन सा मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल फार्मूला। क्या भैया सही बोल रहे हैं? अरे बोलो, कहां से कहां पढ़ रहे हम? अरे उनको पढ़ने दो, कहां से कहां? अगर कुछ गलत बोलेंगे तब बोलिएगा आप लोग। कहां से कहां? या इनिशियल वेलोसिटी बोलिए,
जीरो है ये इनिशियल वर्सेस जीरो है हाँ अड़े रहे हैं ये हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं नेट मोशन या वर्टिकल मोशन नेट मोशन पढ़ने की तो औकात नहीं हमारी तभी तो तोड़ना पड़ रहा है क्यों भैया वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वाली भैया आप बताओ जीरो है ठीक समय कितना लगा ऐसे भी क्या उतना ही समय लगा है जितना समय में एक्स हुआ है तुम कुछ संदिग्ध अवस्था में नहीं हो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्सेलरेशन कितना है तो मैंने ये थोड़ी का किया होगा मैंने तुझे उंगली रखी थी भाई हाँ इसीलिए तो ये क्या हुआ ना जब लंदन में बारिश हो रही थी तो दो मुर्गे ये बात कर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कोरली बढ़ जाए तो चेन्नई वाले लुंगी पहन के घूमने लगेंगे तभी तो पोर्ट ब्लेयर में जाकर के उन्होंने सरकार बना ली और यही बात करते हुए लोग जो नागालैंड के थे वो ये कहने लग गए कि साउथ अफ्रीका के लोग इतने काले क्यों होते हैं ब्रिटेन में इसी बात पे लड़ाई छिड़ गई और नागासाकी पे जो हमला हुआ था उसकी बात अमेरिका करते हुए ये कह रहा था कि अगर इस बार अमरूद ज्यादा हो गया तो लोग आम खाना कम कर देंगे ये क्या बता रहे हो जिसका एक बात से दूसरे को कोई लेना देना नहीं है भाई एक लाइन में बात खत्म हो रही है तुम बोलेंगे क्या बता रहे हो डिस्प्लेसमेंट एमजी होगा बात खत्म वही बोलने के लिए इतना तुमने बोला बोलने का तरीका गलत हो गया था अच्छी बात तुम डॉक्टर बन जाओगे पेशेंट मार दोगे बोले बस ये समझ लीजिए सांसें नहीं चल रही बाकी आदमी ठीक है करेक्टर इसका बहुत बढ़िया बस सांसें नहीं चल रही बाकी एकदम इसको रखिए जिंदा आप बहुत बढ़िया आदमी है कभी कुछ नहीं बोलेगा लड़ेगा नहीं बात नहीं करेगा कोई विरोध नहीं करेगा जो दोगे खा लेगा चुपचाप रहेगा बस सांस नहीं चल रही है और डॉक्टर साहब बोलिए मर गया है तरीका ठीक नहीं हमारा बैठो अजीब अजीब आदमी सिंपल बात कर रही है जी मोशन गांठ कहां पड़ रहे हो नजरे हैं वहां और कौन सा मोशन पड़ रहे हो तो उस पर नजरे रखना है अपने को इनिशियल वेलोसिटी जीरो डिस्प्लेसमेंट वाई समय टी फाइनल वेलोसिटी वी वाई अरे बोलो यार एक्सेलरेशन जी बात खत्म जब वर्टिकल पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे और हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे तो वर्टिकल की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे इसको तो हम पढ़ने की औकात रखते नहीं नेट वेलोसिटी को पढ़ने की औकात हाँ हाँ अच्छा एक बात बताओ वर्टिकल मोशन में क्या लगेगा सिंपल फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखो एस बराबर यू टी प्लस एस बोलो एस एस डिस्प्लेसमेंट कितना था कोई एच बोल दिया है देख रहा हो अलग ही कोई विनोद बैठा है एस एस बराबर वाई है ना वाई यू वाई प्लस हा हाफ एक बात बताओ यू वाई कितना है और टी कितना है टी तो टी ही रहने दो हाफ जी अच्छा एक बात बताइए जो ये टी है वही टी ये भी तो है तो मैं यहां पर x बाई में u का होल स्क्वायर कर दूं जरा गौर करिएगा इसी के बाजू में लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू एस एस हाफ यस यस g इसको यू एक्स रहने तो बाद में u लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई में यू एक्स स्क्वायर जो कि अल्टीमेटली लिखा तो ऐसे भी जा सकता है हाफ क्या बोलो g एक्स स्क्वायर बाई में यू स्क्वायर सही बात है ये सर नो अरे हाँ या ना तो मेरे भाइयों बहनों
क्या ये इक्वेशन दिख रही है आपको? इसमें वाई है कि नहीं है? बोल ही नहीं रहा यार. क्या एक्स है कि नहीं है? और यू भी है, जी भी है, ये सब कांस्टेंट है ना? अरे बोलो भाई. लेकिन वाई और एक्स वेरिएबल है कि नहीं है? क्या इस इक्वेशन में वाई और एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल है? तो फिर इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे ग्राफ को बताने के लिए ठीक है कि नहीं? वाई पे बताओ कितनी पावर, और एक्स पे बता दो. अगर वाई पे वन और एक्स पे दो तो ग्राफ कैसा होता है? क्या बोला? भूल गए आप? याद आ गया? तो इसका मतलब ग्राफ अगर पैराबोला है तो ट्रेजेक्ट्री भी पैराबोला. समझ में नहीं आया? क्या आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मायने समझे? क्या आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मायने समझे और उसको निकालने का तरीका समझे कि नहीं समझे? चलिए प्लीज स्टार्ट योर गेम नाउ. तुम क्या कर रहे हो? जी ये जो मैंने बॉक्स जहां बनाया है वहां पर आप लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. है जी बहन? बताया जाए आगे बढ़े. बोला जाए लेट्स लिस्टन. देखिए सबसे पहली चीज हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्राप्त कर ली. आपने जो बॉक्स बनाया उसमें नीचे लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. लिख लिया? Yes, काफी अच्छे लोग हैं आप. नीचे एक बात और लिख लीजिएगा. इन दिस इक्वेशन
वाई हैज पावर वन एंड एक्स हैज पावर टू. वाई हैज पावर वन एंड क्या एक्स हैज पावर टू. Therefore, path will be what? Parabolic. क्या बोला? Parabolic. अच्छा बोला. ठीक. बोले अरे हाँ ना बोलो. लेट्स सी. देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की जहां तक बात है हिंदी में कहते हैं अगला जो हमारा पढ़ना है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल. जितनी देर तक बॉडी हवा में रही दैट इज उड्डयन काल. अब ध्यान से उड्डयन टाइम ऑफ फ्लाइट या जितनी देर बॉडी हवा में रही. भैया के हाथ से मतलब ये बॉल यहां से छूटने के बाद और जमीन पे टकराने तक क्या बॉल हवा में रही कि नहीं रही? रही कि नहीं रही? आइए थोड़ा इसको हम लोग और एक लेवल पे लेके चलते हैं और मैं कुछ एक क्वेश्चन वगैरह आपसे यहीं पर बात कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा. थ्योरी के क्वेश्चन है, हर एक आध क्वेश्चन हमारे ब्रह्मास्त्र में भी है. दो चार पांच किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहां से डिस्कस कर लूंगा आपसे. ठीक है, थोड़ा इसको विजुअलाइज कराते हैं, फील कराए. yes, अरे यार टाइम ऑफ फ्लाइट को फील कराते हैं. अंकल प्लीज कम ऑन गाइस. गाइस दो बॉल होगी लेते हो, एक ऑरेंज होगी एक ब्लैक होगी. ब्लैक वाली बॉल उनको दे दो. काफी अच्छे ये तुम्हारे अंतर्वस्त्र दिख रहे हैं. ठीक है देखो यहां तुम क्या अश्लीलता ना फैलाओ. चलो इधर आओ. ठीक है वेरी गुड. अब ध्यान से सुनना, मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट समझाने जा रहा हूं. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब है? जब तक कि वो हवा में रहे. ठीक बात. जब तक वो हवा में रही बहन, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा. ठीक है, मान लीजिए भैया ने बॉल फेंका और ग्रेविटेशनल फोर्स गायब, ग्रेविटी है ही नहीं, तो क्या वर्टिकल मोशन होगा? वर्टिकल मोशन कौन कराएगा फिर? मैं कराऊंगा. मैं तो हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, फिर ये मैं कैसे करा दूंगा? ओ माय गॉड, किस चीज में कंफ्यूज हो तुम? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज हो गया. तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज हो रहे हो? क्या तुम्हें प्रिसबायोपिया है? मैं सब भूल गया था बस. क्या भूल गए थे? मैंने सर वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल समझ लिया. तुमने वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल समझ लिया और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल. एक बीमारी होती है आंखों की आप जानते हैं. अरे प्रिसबायोपिया कह रहा है, एस्टिग्मेटिज्म. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस बीमारी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पता नहीं चलता, ऐसे लोग पायलट बन जाते हैं. भाई गजब आदमी हो, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल जा रहे हो तुम. गलती से कंफ्यूज हो गया. तुम गलती से कंफ्यूज हुए हो? जवाब आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं गलती से कंफ्यूज हो, वरना मैं कंफ्यूज थोड़ी होता हूं. इधर थोड़ा चलो, इधर चलो. एक तो तुम्हारी 24 की कमर है. देखो अगर ये भैया बॉल को फेंके और मैं कह दूं ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, अच्छा तो क्या ये बॉल कभी जमीन पे आएगी? अरे यार बोलते के बोला नहीं आएगी. नहीं आएगी यानी हवा में, हवा से जमीन पे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन? यानी हवा में कितनी देर रहेगी ये कौन तय करेगा?
हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन? सोच के देखो कौन तय करेगा। श्योर है आप? लॉक किया जाए? श्योर है आप? तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आप पढ़ चुके हैं लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं। ये तुम क्या बैठ के खुजली कर रहे हो भाई? यार मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें अंदर हाँ क्या जालिम लोशन क्यों नहीं लगाते हो? थोड़ा प्रॉब्लम है तुम्हें। मैं ना जो लोग आगे बैठे रहते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको भैया कोई बताओ वो क्या सो रहे हैं, वो भी थोड़ा ना डिस्टर्बेंस कम किया करो। मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूं, इस बात को अपने दिल दिमाग जान जिगर गुर्दे फेफड़े तिल्ली में बैठा लीजिए, इसको विजुअलाइज कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। अगर अलग अलग बॉडीज सेम लेवल पे हैं और उनका वर्टिकल मोशन भी सेम है, सुने क्या बोला मैंने? स्वाहा। सेम लेवल पे हैं और वर्टिकल मोशन भी, और वर्टिकल मोशन सेम होने का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना और एक्सेलरेशन सेम होना। क्या क्या सेम होना? तो मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं टी समय बाद अध्ययन करूंगा यानी कुछ समय बाद, तो दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा, या कह लो सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में सेम टाइम लगेगा, या ये भी कह सकते हो दोनों जमीन पे साथ साथ पहुंचेंगे। समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम बहुत समझदार है, इधर आओ। जैसे एक आदमी ये है, एक और आदमी आए, जल्दी आओ, और जैसे आदमी इधर आओ, यहां ध्यान दीजिएगा। यह आदमी क्या करने वाला है? बॉल को फेंकेगा। एक आदमी और चाहिए, अभिषेक भाई आए तो प्लीज एज एन रेफरी। थोड़ा आगे आओ, फ्रेम में आओ तुम लोग। ये बॉल गिरेंगी, आपको उठा के लाना है, जैसे वो करते हैं ना टेनिस में, यस सर, एक दो लोग करते रहते हैं ना वैसे ही आपका। थोड़ा उधर चलो, छोड़े आदमी हो। ये भैया बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। अब आप इस पर विजुअलाइजेशन में मैं बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा, अभी के अभी, अभी के, और आपको जवाब भी देना है, ठीक है? सारे क्वेश्चन, पांच सात क्वेश्चन है इसी पर, वो पांचों सातों में करा दे रहा हूं। ये भैया क्या करेंगे? और अभी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं कराया है, आप मजे की बात देखो, खाली फील से क्वेश्चन होगा, फील ओनली फील। भैया फेंकेंगे बॉडी को हॉरिजॉन्टली, फेंको, ज्यादा कसर नहीं फेंकना, एकदम ही मगरमच्छ हो गया, ऐसा फेंक दिया कि वहां चला गया है, और ये ढूंढने वाला आदमी भी गजबे का है। ऐसा रेफरी रहे तो दो दिन टेनिस चलेगा, पकड़ो इधर, बॉल ही नहीं आ रही है। किसने फेंका था हॉरिजॉन्टली? 2D मोशन हुआ कि 1D? कैसा मोशन है? बोलते क्यों नहीं हो? अब ये वाला व्यक्ति दिख रहा आपको, हे चमगादड़, ये बॉल को छोड़ देता है 1D 2D है, 1D हुआ, पकड़ो। अब क्या होने जा रहा, सीन देखिएगा, सीन 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 देखो। अब ये दोनों लोग सेम हाइट पे बॉडी को ले रहे हैं, तो हाइट तुम लोग का मैच नहीं कर रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि निकाह हो पाएगा। देखो इधर, अरे भाई हाइट दोनों का सेम, एंड शी इज गोइंग टू थ्रो द बॉल। ये बॉल को क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली फेंक, कैसे फेंकेंगे? तो जब ये हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो इनकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना? अरे हाँ ना, वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होगी? पक्की बात है। और ये भाई इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो। अरे यार, सेम हाइट, सेम हाइट, सेम हाइट, सेम हाइट, सेम वर्टिकल वेलोसिटी, दोनों हवा में आएंगे, एक 2D करेगा, एक 1D करेगा, क्योंकि इसको फेंका ऐसे गया, इसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी इन्होंने दी है। इधर देखो, रामलीला में हनुमान बनोगे तुम, शकल मिलती है, देख समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे ये 2D करेगा। अब सब इन्हीं को देख लो भाई, सब लोग ना मैच करा रहे कि हाँ पूछ कैसी लगेगी इनके ऊपर। अरे भाई इधर देखो, इधर देखो मेरे भैया, मैंने बोल दिया इसका मतलब हकीकत है। ये भैया फेंकेंगे 2D कराएंगे। ये भैया, ये भैया, अब समझना दोनों की हाइट, वर्टिकल वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी दे रहे हैं? वर्टिकल नहीं दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ये वेलोसिटी दे रहे हैं? यस, लेकिन कैसी वेलोसिटी? कोई वर्टिकल बोले, देखो तुमने बोला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अरे चौधरी साहब आप भी तो बोलिए, एकदम पलाती उलाती मार के बैठ गई है, तलवार रगड़ रही है, बताओ बहन। ये वेलोसिटी दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। बोलो यार, पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हैं? वर्टिकल तो जीरो है, इनकी भी, तो इसका मतलब दो, अच्छा दोनों हवा में आएंगे, दोनों पे एमजी का असर आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन जी होगा, डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल मोशन दोनों का सेम होगा, मोशन सेम नहीं होगा, वर्टिकल मोशन सेम होगा। और वर्टिकल मोशन सेम होगा या मोशन सेम होगा? अब देखना, इन्होंने फेंका है भैया, तुम हमने कह रहे इन्होंने फेंका है तो कह रहा है यार तुम गजब आदमी हो क्या, और जिस टाइम इन्होंने फेंका उसी टाइम ये नीचे चलना, भैया धीमे धीमे नहीं, स्लो मो स्लो मो स्लो मो स्लो, अरे मेरे लेवल पे रखो गड्ढे, मेरे लेवल पे लाओ। देखना रुक जा, जितना ये नीचे आया उतना ये भी नीचे आया, लेकिन इसने 1D किया कि 2D किया? इसका मतलब जमीन पे साथ साथ हो पहुंचेगा कि अलग अलग? पक्का? तो जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता ही, अरे होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, एक्सेलरेशन भी सेम हाइट से फेंका गया, सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी, सेम हाइट, तो सेम टाइम सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, याद रखना। ये वाली जो बॉल ये भैया फेंके थे, ये 2D करेगी कि 1D? और ये भैया की, चाहे जो करे लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बिकॉज वर्टिकल मोशन सेम। अब इसी तर्ज पे सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या मैं पूछ लूं? अरे हाँ ना बोलो। भैया आप बताओ, पूछा जाए ना पूछा जाए। भैया एक पाइप ले आओ, कुछ सवाल है ऐसे ही छिट्टे पुट्टे सवाल है, एक कोई भी पाइप, छोटी वाली पाइप लाओ, लाओ दो उसको रख दो। यस सिंपल है, तुम बलून से टकरा टकरा के उसे फोड़ते रहना। आगे और उधर, एक शिकारी है जो खुद ही किसी चीज का शिकार है, बहरहाल, और इसके पास है राइफल, राइफल समझते हो, करें गोली मारने वाली, तुम्हारे पास पेशेंट आएगा ना, तुम राइफल ही मार दो, करे भाई साहब दो गोली सुबह ले दी, दो शाम लेना, गोली मारने वाली राइफल, जिसमें एक मजल होती है, एक नाल होती है, और ये शिकारी है, ये इनमें शर्माने कौन सी बात है, मैंने कोई कह तुम्हें सिंदूर लगाने शिकारी बनाया है, तो फिर चलो इनके पास ये राइफल है और आपको प्रिटेंड करना है कि यू आर जस्ट यू नो आप हंटिंग के लिए गए हुए हैं, हनुमान का शिकार करने जा रहे हो, इनको देख रहे हो भाई, अगर ये दुनिया में ना आते ना, तुम्हारे जैसा दो पीस आता गड्ढे में, चलो जरा हनुमान का शिकार, कहां जाके शिकार करो, क्या बंदर को बता के मारोगे भाई, यही रहो। अब एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भैया के पास राइफल है, राइफल है ना हॉरिजॉन्टल कंधे पर रख के मारी जाती है भैया बंदूक, ठीक है, बंदूक चला नहीं लग रहा था, तो ये कर निशाना ही नहीं है, ये एक माने माने, और इनके ठीक सामने एक बंदर है, अरे ये नहीं है बंदर, बंदर इनके हाथ में है, ये बंदर है, बंदर लेवल पे एकदम, भाई इतना मजा क्यों आ रहा है तुम्हें? बंदर मत बोलिए, बंदर ना बोले, एक मंकी है, हंसी आती है बंदर के नाम से, आपको बंदर के नाम से हंसी आती है, भाई थोड़ा इधर हो जाओ, हम पता नहीं किस किन लोगों को पढ़ा रहे हैं, मेरा मेरा ही कलेजा है भाई, इनको बंदर के नाम से हंसी आ रही है, एक बंदर है
एक मंकी है, क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन में रहेगा वही तो देंगे भाई। यस सर। और ये मंकी इनके राइफल के लेवल पे, समझना, डाल पकड़ के लटका हुआ है। बंदर देखता है कि एक आदमी सामने गोली चलाने वाला है, समझ रहे हैं आप? अरे ये सुनो, और ये जैसे ही गोली चलाते हैं बंदर के हाथ से दाल छूट जाती है। तो आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो गोली है ये बंदर को लगेगी कि नहीं? और बात ऐसी है कि ये बंदर इनके गोली के रेंज में, मतलब ऐसा नहीं कि ये झारखंड में बंदूक लेकर बैठे हैं और कन्याकुमारी में लटका है वो, इट्स नॉट लाइक दैट, समझ रहे हो? तो बंदूक जो है उसके गोली के रेंज में बंदर है, गोली चलती है, बंदर गिर जाता है, फ्री फॉल होने लगता है, तो बताइए बंदर को बंदूक की गोली लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, लगेगी। तुम इतना हंस क्यों रहे हो भाई, कोई बात है क्या? हाँ बताइए, कितने लोग कह रहे हैं गोली लगेगी? ए भैया हो तुमको, देखो अलग है बंदर चल रहा है। कितने लोग कह रहे हैं लगेगी गोली? एक आदमी कह रहा है। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं लगेगी? एक उठाया था, देखा कोई नहीं उठा रहा है। ये बाकी लोग क्या इधर, कितने लोग कह रहे हैं लगेगी? हाथ उठाओ भैया, प्लीज हाथ उठाइए, प्लीज रेज योर हैंड। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं लगेगी? कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है यार, ये कैसे लोग हैं भाई? मैंने आपकी सुनना के लगेगी नहीं लगी? हाँ लगी नहीं लगी? नहीं लगी। गलत जी क्यों? बंदर नीचे गिर जाएगा और गोली ऊपर चली जाएगी। तुम बेटा ये तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो या इधर मतलब जज्बाती काम चल रहा है तुम्हारा? हाँ आपने बोला डाल छोड़ दिया, तो मैंने बोला कि डाल छोड़ दिया, मैंने बोला तो मैंने बोला कि डाल छोड़ा, तो किसने बोला डाल नहीं छोड़ा? मैं बोल तो रहा हूं मैंने डाल छोड़ी, तो गोली लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? गोली से नहीं मरेगा वो, हार्ट अटैक से मर जाएगा कि धम आ। अरे यार ये लोग क्या क्या जवाब देते, बैठ जाओ। बहन आप कह रही गोली लगेगी, खड़ी हो जाइए, बताइए क्यों? कौन सी रस्सी सेम है? खड़ी हमें क्या पता, कोई तो होगी सेम। आप बताओ भैया गोली बंद लगेगी? गिरा हुआ है तो लगेगी। गोली चलने पे गिरा है ना वो? गोली चलने पे गिरा है। अच्छा गोली लग गई होगी इसलिए गिरा है। अच्छा गोली लग गई फिर वो गिर गया। ये क्या हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग क्वेश्चन को मजाक बना दियो क्या? फिर से रिपीट कर दें? रिपीट फिर से ही किया जाता है, ये फिर से रिपीट क्या होता है? बोलो रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट फिर से ही करेंगे बहन। भैया लेवल पे था बंदर, बंदूक के गोली चली, बंदर गिरा, गोली लग जाएगी। क्यों? जो यहां गोली है सोचो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ होगी या वर्टिकल होगी? वर्टिकल तो दिया नहीं होगा इन्होंने, मतलब बंदूक ने कौन सा दिया होगा? वर्टिकल क्या होगी? जीरो। सेम उसी टाइम बंदर यहां पर है, उसकी वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। अरे उसकी वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। अच्छा ये करेगा 2D, बंदर करेगा 1D। तुम ही बंदर बन जाओ, बंदर करेगा 1D। शकल तुम्हारी बिरजू महाराज जैसी है, टीका लगा के घूम रहे। ये करेगा 1D, वो करेगा 2D, लेकिन जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही इसका भी तो होगा। तो बंदूक बंदर और गोली का मुलाकात होगा कि नहीं होगा? तो भी गोली लग जाएगी। अरे हाँ या ना, क्या ये बात सबके समझ में आई?
मेरा अगला प्रश्न, अब की बंदूक सेम शिकारी बंदूक शिकारी को हाथ में तो फुर्सत नहीं है, कह रहे हैं बस बंदर नहीं बोलिए, बंदर बोलते तो हम भी आते हैं, क्या बंदर गुदगुदी होती क्या है? बंदर के बारे में याद आ जाता है तो फिर तुम्हें आईना दिखने लगता होगा। अब ये बंदर इससे ये देखो भाई ये सीधे उतना ऊपर नहीं उठाना है, गोली के लेवल से ऊपर, ज्यादा ऊपर ना करो फ्रेम से बाहर हो जाओगे, ठीक। बंदर कहां? ऊपर, और बंदूक नीचे। बंदर देखता है कि शिकारी जो है साधे बैठा है, तो बंदर के हाथ से डाल छूट जाती है और बंदर फ्री फॉल करता है, गिरा। जैसे ही बंदर यहां पहुंचता है, फ्री फॉल कर रहा है, उसी समय ये गोली चला देते तड़ से। अब बता लगेगी नहीं है? लगेगी नहीं लगेगी? नो, गौर करिएगा, जब बंदर यहां से गिरा होगा, रेस्ट से गिरा, अरे यार बोलो, जब बंदर यहां पहुंचा होगा तो क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी? पर गोली के पास होगी क्या? क्या गोली के पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी? पर इसके पास होगी कि नहीं होगी? तो भैया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा नीचे चली जाएगी, गोली ऊपर से जाएगी। अरे हाँ या ना, समझ में फिर भी नहीं आया, आया नहीं आया, क्लियर हुई नहीं हुई बात? हुई? एक और सवाल पूछ लिया जाए? अरे यस सर, नो भैया वो स्टूल उठाओ। आया हूं, इस पे बैठ जाओ तुम, इधर नहीं, इधर मुंह करके बैठो, थोड़ा इधर उधर करो। ये तो तुम्हारा चेसिस ना बड़ा नुकीला है, ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या मार रहे हो? ये एक व्यक्ति है जो ट्रेन में, इधर जाओ थोड़ा, थोड़ा पैर ऐसे समेट लो, थोड़ा इधर बैठो, हम दिन भर बैठाते रहेंगे तुमको। ये नीचे वाली, आप लोगों ने टू टीयर बर्थ देखे होंगे? अरे टू टीयर बर्थ जिसमें नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम्हारे, तुम खुद बंदर हो। ये नीचे वाली बर्थ में है और ये वाले भैया हमारे ऊपर वाली बर्थ में, आ जाओ ऊपर वाली बर्थ में भैया। और इनके हाथ में कुछ, मतलब ये कुछ खा पी रहे थे, सेब खा रहे थे, बाबूजी वहीं बैठे थे किनारे, देख रहे थे कि काश मिल जाए गड्ढे नहीं तो। अब ये ट्रेन जा रही है हॉरिजॉन्टल, ट्रेन तो वैसे हॉरिजॉन्टल जाती है, मैंने कसम से कुछ लोग इतने ही वाहियात हैं, हम बोले ट्रेन जा रही हॉरिजॉन्टल, क्यों? अरे तो कैसे जाएगी ट्रेन, ट्रेन हॉरिजॉन्टल जाती है ना भाई, उसमें क्या सोचना भाई, ट्रेन कैसे जाती है? ओ हॉरिजॉन्टल जा रही है, पर आपको यह मान लेना है कि कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। कैसे जा रही है बोलो? इनके हाथ में कोई चीज है, कोई सेब, भैया ने देखा तो सेब ही मान लो। ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, धीरे धीरे धर चक्र धर चक्र। ट्रेन में ये भी बैठे हैं, ट्रेन में ये भी है, ये कितने से जा रहे हैं? ये बोल पक्का? आप जानते हो कि दुनिया में एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। अगर कोई किसी मोशन में तो उसी में बने रहना चाहता है, क्यों ये आप जानते हो नहीं जानते? मेरा सवाल है कि ये आदमी ने, इस व्यक्ति ने इस बॉल को यहां से छोड़ दिया चलती हुई ट्रेन में, तो क्या ये बॉल इस आदमी के हाथ में गिरेगी, या इसके हाथ से आगे गिरेगी, या इसके हाथ के पीछे गिरेगी? कहां गिरेगी? हाथ में गिरेगी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। अच्छा ये बॉल कैसा मोशन करेगी, 1D 2D अगर ये छोड़ेंगे तो? 2D। क्या ये बॉल पहले से 60 से चल रही है? चल रही कि नहीं चल रही? जैसे ही इनके हाथ से छूटेगी, इनके पास 60 तो रहेगा ना? तो क्या इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि नहीं है? अरे यार है कि नहीं है? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से क्या ये आगे जाएगी? अरे एमजी की वजह से नीचे आगे जाएगी?
जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही तो ट्रेन की होगी। अरे बोलो, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही तो ट्रेन। अच्छा, ये ट्रेन पे बैठे हैं ना, टी टाइम में ये कितना चलेंगे, 16 टू टी कितना चलेंगे, ये बॉल भी तो 16 टू टी चली जाएगी, तो फिर आकर के इन्हीं के हाथ में तो गिरेगी। अरे यस और नो, कह दो कि ये झूठ। Is it true or false? True मत देना। True. आपको जब भी horizontal more vertical motion को देखना है तो आप उससे उस motion को आप ध्यान से देखिए और आप समझ जाएंगे कि motion एक जैसा होगा या नहीं। Vertical motion में अगर same level पे same vertical motion है तो जो टाइम लगेगा वो सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में सेम टाइम लगेगा, या कह लो सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक बात हमने को समझ में आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट को कौन डिसाइड करता है, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन, कौन डिसाइड करता है? श्योर है आप? यस सर। कोई परेशानी वाली दिक्कत नहीं है? ठीक है, जाइए बैठिए, स्टूल को हटा लीजिए। अब मुझे आप लोग बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, बॉडी ए से चली और सी पर पहुंची है, बोलो यार, जो यहां तक का टाइम होगा क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? अरे बोलो यार, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां तक का समय है? जोर से बोलो यार, पक्की बात है, ए से सी तक का टाइम ही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और मुझे अगर निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं किस मोशन से निकालूंगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? है कौन सा मोशन डिसाइड करता है, तो किस मोशन से निकालूंगा? श्योर है आप? कहां से कहां तक? ए से सी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन द एयर। हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर कौन सा मोशन, बहुत अच्छा कहा बहन ने हमारी, वर्टिकल मोशन, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू सी। अब ध्यान देना मेरे भैया, जितने भी लोग पहली बार पढ़े खासकर ध्यान देंगे, बुजुर्ग लोग भी ध्यान दें, कहां से कहां तक, अपनी नजरें ए पे गड़ाओ गड़ी और सी पे गड़ा लो, गड़ा लिए वहां से यहां, ठीक बात है, कहां से कहां तक, ए से, श्योर है आप? अरे बोलो भैया, भाई आप खड़े हो जाओ, इनिशियल वेलोसिटी बताइए, हैं यू, आप कौन सा मोशन पढ़ रहे हो, वर्टिकल, कहां से कहां तक, हैं ए से सी तक, या टी से इक्वल टू जीरो से लेकर टी बराबर कैपिटल डी तक, ठीक है चलो अच्छी बात है, दोनों बात एक ही है। तो मुझे बताओ ए पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, अभी आपने यू बोला था, हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, तो आप एक्स की तरफ क्यों बात कर रहे हैं, यू वाई क्या आएगा, क्या वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? yes, अरे बोलो यार, ए से लेकर के सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है वर्टिकल, पक्का? yes, क्या सब लोग समझ गए? yes, अरे ऐसा नहीं हो सकता, इतना जल्दी नहीं समझ सकते, क्या एच होगा? yes, कह रही है सामने दिख रहा आंधर, देखो यहां कहां से कहां गए आप, ए से सी गए हो, ए से सी जाने में कितना नीचे आए, देखो इसके बराबर आया नहीं है। अरे बोलो यार, भाई बॉडी गई है इस रास्ते से, याद रखो, तो बॉडी कुछ नीचे आई है और कुछ आगे गई है, हमें कौन सा मोशन पढ़ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो हम नीचे को देखेंगे ना, कितना ही है एच, समय कितना लगा ये, कैपिटल टी, बोलो यार कौन सा मोशन पढ़ रहे हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सिंपल फार्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट है हमारा h, बोलो यार,
UYT प्लस हाफ डी स्क्वायर एच हो गया तो यहां से जब देखोगे एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है कि नहीं है और टी बराबर क्या आएगा अंडर रूट टू एच बाई यस और नो कंफर्म है। मैंने अभी एक बात कही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को निर्धारित कौन करता है वर्टिकल मोशन। अगर मैं इसी टावर से एक बॉल को गिरा दूं और एक बॉल को फेंक दूं तो हमने कैलकुलेशन किया कि इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा अंडर रूट टू एच बाई जी। कोई बोली ना कि बहुत अच्छा हिचकोला मार रहे हैं कोई यहां बैठ करके अजीब ही अजीब हरकत करते हैं तो। और ये जो करेगा ये 1D करेगा 2D है तो यहां आने में कितना टाइम लगा देखा जाए। अरे बोलो यार इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कर दें T कैसे निकालोगे देखो इसके लिए इस बॉल के लिए ये 1D कर रहा है कि 2D कर रहा है हाई तो एच ही है ना एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर यस और नो तो यहां से T1 बराबर भी क्या जाएगा अंडर रूट 2H/G क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है yes, यानी T1 बराबर T2 समझ में नहीं आया आया नहीं आया क्यों क्योंकि दोनों का वर्टिकल मोशन क्या था सेम जिनका वर्टिकल मोशन सेम होगा उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी या ये कह लो कि जिनका वर्टिकल मोशन सेम है उनके लिए सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा या सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में सेम टाइम लगेगा। अरे ऐसा नो टाइम ऑफ फ्लाइट को निर्धारित कौन करता है इसको लिख लीजिए क्या इसको लिखिए जल्दी से जी लिख लिया आपने yes, एक लिखिएगा पहले अभी बनाइएगा नहीं अभी लिख लीजिए बोलूं yes, लिखिएगा बोलूं yes, लिखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिटरमाइंड बाय वर्टिकल मोशन अगला पॉइंट लिखिएगा फॉर टू डिफरेंट बॉडीज टू डिफरेंट बॉडीज इफ द वर्टिकल मोशन इज सेम
वर्टिकल, वर्टिकल मोशन में समझ रहे हैं ना क्या क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इफ वर्टिकल मोशन इज सेम देन द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। Then the time of flight will be same. Full stop. ठीक है बस इतनी बात सही है लिख लो। हाँ जी बोले। लिख लिया आपने? अच्छा इस पे आधारित एक क्वेश्चन भी है आपके डीएलएफ में, मैं चाह रहा हूं कि आप उसे एक बार देख लो इफ यू कैन। है आपके पास डीपी अपना ब्रह्मास्त्र वाला? ये वाला क्वेश्चन है 104 नंबर, 104 क्वेश्चन नंबर 104। हाँ जी बोलूं, लिसन मी वेरी केयर। हाँ फुल्ली आओ, कोई है फुल्ली वाला? कहता है इन द क्लाइमेक्स ऑफ अ मूवी द हीरो जंप्स फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर एंड अ विलेन चेजिंग द हीरो आल्सो जंप्स फ्रॉम द सेम लेवल। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे कम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द विलेन फायर्स बुलेट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द हीरो। Both were falling constant acceleration 2 meter per second square because of the parachute. Assuming the hero to be within the range of bullet, which of the following is correct? एक फिल्म का निर्णायक सीन चल रहा है, क्लाइमेक्स उसी को कहते हैं, जहां यह तय हो जाता है कि हीरोइन किसके पास जाएगी, और उसमें विलेन और चेस कर रहा है हीरो को, चेस करते करते हेलीकॉप्टर से कूदता है, ऑब्वियस ही बात है पैराशूट लगा के कूदता है। तुम सोच रहे नरद लगा के कूदता तो क्या होता है? पैराशूट समझते हैं ना आप लोग, गोल्डन वाला उड़ने वाला पैराशूट समझ रहे हैं। अगर पैराशूट नहीं होता तो फ्री फॉल होता, लेकिन पैराशूट की वजह से वो 2 meter per second square से नीचे आ रहा है। कहता है किसी क्षण की बात है कि हीरो और विलेन दोनों सेम लेवल पे है, तो ये पैराशूट मान लीजिए है किसका,
विलेन का, ये विलेन है और ये रहा विलेन, जो भी हो। अरे ठीक है, खिकिया मत, चलो इधर देखो, ये हमारे पास अपना ये पैराशूट है, या कोई कह रहा हीरो, ये मस्त अपना उतर रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? यस 2 मीटर प्रति। और इसका भी एक्सेलरेशन कितना है? और ये यहां से चलाता गोली, मुझे बताइए क्या ये गोली जिस सेम लेवल पे चलाता है, क्या ये गोली हीरो को लगेगी या नहीं? और नहीं लगेगी, लग गई तो ठीक, नहीं लगेगी तो क्या हीरो के ऊपर से जाएगी या हीरो के नीचे से जाएगी? हैं? कितने लोग मानते हैं कि गोली लग जाएगी या नहीं लगेगी? नहीं नहीं लगेगी, नहीं गोली नहीं लगेगी। एक आदमी उधर मान रहा है, एक ये मान रहा है। और कितने लोग मानते हैं गोली लग जाएगी? भाई आप खड़े हो जाइए। गोली कैसे लगेगी? ठाएं से। उसको छोड़ो, जब गोली मारा तब से बात करो, उसके पहले क्या होगा? किसका किसका विलेन जाके हीरो को मार रहा है कि गोली जाके? तो गोली और हीरो की बात करो ना भाई, विलेन और हीरो की क्यों बात करो? नहीं लगेगी गोली, समझिए। हीरो का एक्सेलरेशन कितना है? हैं? और गोली का कोई पता ही नहीं रहा है, जी के बराबर, क्योंकि गोली पैराशूट में या हवा में आ गई, और जैसे ही गोली हवा में आएगी उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10। अरे यार ये सर नो, बैठ जाओ भैया। विलन का एक्सेलरेशन कितना है? बेकार बैड रिस्पांस, कितना है? और गोली का? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? हैं? तो गोली नीचे से चली जाएगी, हीरो यहीं कहीं अपना तैरता रह जाएगा, हाँ है ना? तो साइंस ने इसे बचा लिया, ठीक। गोली कहां चली जाएगी और हीरो सुरक्षित रहे, ठीक बात है। अगर इंडियन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, गोली लग भी जाती तो भी नहीं मरता, तावीज जो पहने रहता। आप समझे नहीं, समझ गए तो लिख लीजिएगा, मतलब लिख क्या लीजिएगा, समझ गए होंगे। गोली का एक्सेलरेशन जी है यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड, नहीं है सेकेंड स्क्वायर गड्ढे, हाँ वही कह रहा है, हाँ वही। और तो हमने पहली चीज क्या प्राप्त की? ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, अरे दीवानों हाना बोलो। और दूसरी क्या प्राप्त कर ली है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टाइम कह रहा है कोई, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक और चीज प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्ति की जाए? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? ठीक भैया, अगला है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। जी बताया जाए, द लास्ट, दैट इज व्हाट, दास तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल रेंज हिंदी में कहते हैं क्षैतिज परास, क्या कहते हैं? हाँ क्षैतिज परा, हाँ परात, परात, कोई कह रहा परास्त, हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ जी, अगर बिना पैराशूट के गिर रहे होते और अगर मामला ऐसा होता कि दोनों बिना पैराशूट के होते तो गोली लग जाती। हाँ जी भाई,
गेटिंग भाई, आपको ना एक सीधी सी बात समझो मेरी, जब भी आपको देखना है कि क्या इनका गोली वोली का मामला क्या लगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तब सेम होगा मेरे भाई जब वर्टिकल मोशन सेम होगा। आप वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व कर लो, बात देखिए, वर्टिकल मोशन में आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक बात है। मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करने जा रहा हूं। रेंज क्या होता है? जितना क्षैतिज परास यानी क्षैतिज डिस्प्लेसमेंट होता है, क्षैतिज समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल। क्या आपके सामने ये दिख रहा है आपको? जब बॉडी ए से सी आई है मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों, ए से सी आई है तो क्या ये आगे भी गई है ना? इतना ही तो आगे गई है। ये क्या कहलाता है? रेंज। इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बात बताइए, पहले बॉडी एच जाके आर गई है या आर जाके एच आई है, या आर और एच साथ साथ हुआ है? यानी जितनी देर में एच हुआ है उतनी ही देर में आर हुआ है। अरे बोलो यार, तो मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ना पड़ेगा ए से लेके कहां तक? सी तक। अरे कहां से कहां तक? समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो भैया, कहां से कहां तक? ए से सी तक। ये है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है ये? हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी। हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ने जा रहे हैं। फॉर कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू कंफर्म। जब मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ना है तो सिंपल फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ मोशन? दूरी बराबर चाल गुणे, तो दूरी कितना चला? आर। चाल कितना है? यूएक्स। बोलो यार, और समय कितना? टी। इसको आगे बढ़ा दे क्या? आर बराबर यूएक्स की जगह यू हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह बता दो अंडर रूट टू एच बाई में जी। क्या ये सच है? क्या ये रेंज आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? आर यू एग्री विद मी? प्लीज राइट इट डाउन। हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई ठीक है जी, एविडन। तो भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस भी होगा इसमें, अभी एक पॉइंट और भी है। कल की क्लास आपकी वही 7:30, ठीक है, 8 बजे कर दें, ठीक है ना? मेरी ना आपकी 7:35 में। बहन 7:30 और 8 में कितना फर्क है? आधे घंटे का फर्क है। उसको सैटरडे कर दें, सैटरडे कर देंगे तो फिर कुछ लोगों का दिक्कत हो जाएगा। आए जी, एक ऑप्शन सैटरडे दे दे, बस सैटरडे को 10 बजे कर दें, संडे को 10 बजे कर दें।
फिलहाल कल की क्लास आप लोग 7:30 कर दीजिए, ठीक, मैं चेंज कर दूंगा। आई एम जस्ट सेइंग, कल हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में फ्लूइड के बारे में। सॉलिड की पढ़ चुके हैं? अरे यस और नो? देखो भैया एनसीईआरटी 1 हम लोग इधर लेके चल रहे हैं, बस मुझे लग रहा है कि 1.5 लेक्चर के और मेहमान है ये चैप्टर, और बहुत बड़ा चैप्टर है काइनेमैटिक्स, एक्चुअली 2-3 चैप्टर का मिक्सचर था ये, समझ रहे हैं हम? इसके समाप्त होते अपनी गंगा बहने, गंगा खत्म, गंगा बहने लगेगी, फिर मामला थोड़ा तेजी से चलने का, ठीक है, एनएलएम से। तो उसकी चिंता देखो अपने को नहीं है, क्योंकि सितंबर लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली मैं एनसीईआरटी 1 समाप्त कर दूंगा। भैया मजा मत लो, इधर दो, एनसीईआरटी 1 सुन रहे हैं आप लोग? और एनसीईआरटी 2 11th की मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, क्लियर है? और आप ऐसा मत समझिएगा कि ये जो एनसीईआरटी 2 है, अभी इसके बारे में बताते, एनसीईआरटी 2 चलती रहेगी हमारी, जैसे ही सितंबर लास्ट में, बंद कर दो भैया रिकॉर्डिंग को, जैसे ही